नमस्कार दोस्तों, कार मेरा के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं जिमनी के बारे में। जैसे कि सेल फिगर मैंने देखी मार्च के अंदर, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों मुश्किल से 400 कारें भी नहीं बिक पाई जब मारुति सुजुकी जिमनी का इतना ज्यादा हाइप बनाई हुई थी। हालांकि मेरे को भी बहुत इंतजार, सबको इंतजार था गाड़ी का, लेकिन गाड़ी इतनी को कहां कमाल नहीं कर पाई। जहां की 4,500 कारें बिकनी चाहिए थी, वहां पे मुश्किल से 400 कारों के नजदीक आकर गाड़ी रह गई है। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई तो 4,500 गाड़ी बिकी भी उस टाइम, फिर उसके बाद 1,800, 1,600, 1,500। अब आते आते मार्च के अंदर भी जब इन्होंने ऑफर भी निकाले तब भी ये गाड़ी मुश्किल से 500 फिगर भी नहीं क्रॉस कर पाई, 400 के नीचे ही सिमट के रह गई। तो क्या कारण है दोस्तों इसका, चलिए दोस्तों देखते हैं, इस गाड़ी को एनालाइज करते हैं। लोगों को विश्वास होता है कि यार ये गाड़ी बहुत अच्छी होगी, सोच समझ के गाड़ी बनाई गई होगी। मारुति में लोग क्या देखते हैं, सबसे पहली बात देखते हैं माइलेज, दूसरी बात देखते हैं रीसेल वैल्यू, तीसरी बात देखते हैं सर्विस सेंटर। तो तीन चीजों में से एक चीज तो चलो है इसके पास, सर्विस सेंटर का। दूसरी बात माइलेज, हाँ जिस डायमेंशन या जिस साइज या जिस तरीके की कैटेगरी की गाड़ी है ये, जिस नेचर की गाड़ी, उस हिसाब से तो इसकी माइलेज ठीक है। लेकिन आपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए गाड़ी बनाई है तो नहीं चल पाएगी। 1,500-1,600 की माइलेज 1.5 लीटर के इंजन के साथ ये गाड़ी 4x4 में दे रही है, तो माइलेज वैसे देखे जाए तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये कमाल वैसा नहीं कर पाई जैसे 22-23 की माइलेज आम गाड़ी इनकी दे देती है। तो उस मामले में देखा जाए तो रेगुलर चलाने वाले पर्सन के लिए ये थोड़ी सी मुश्किल भरा हो जाता है कि 15-16 की माइलेज थोड़ी मुश्किल है। दूसरी बात, आप क्लेम करते हो इस गाड़ी को आपने बनाया जब बुकिंग हुई थी 33,000 की हुई थी, कैंसिल एकदम से होगी। दूसरी बात इस गाड़ी के साथ ये जुड़ी हुई है कि ये गाड़ी दोस्तों जब आई तो जब हमने इसकी फोटोज इमेजेस या वीडियोस देखी तो वहां पे गाड़ी बड़ी अट्रैक्टिव लग रही थी, देखने में बड़ी शानदार गाड़ी लग रही थी। लेकिन जब हमारे सामने आई तो इस गाड़ी के डायमेंशन देख के आपको यकीन नहीं होगा कि यार ये 4x4 गाड़ी जिप्सी बनाई है इन्होंने। जिप्सी नाम सुनते ही एक रोमांच आ जाता था गाड़ी का, बड़े बड़े टायर्स, बड़े बड़े उसकी डैम्स, चीज देख के नजर आता था कि ये हमारे पास गाड़ी आई है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हालांकि इनकी जो सोच थी वो सही थी कि 4x4 गाड़ी बनाओ, लाइट वेट की गाड़ी बनाओ, पहाड़ों पे चढ़ते हैं जिस टाइम उस टाइम ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बात है कम डायमेंशन होने के कारण संकरी जहां से भी आराम से निकल जाएगी गाड़ी, और बात सच भी है ये गाड़ी निकल जाती है। लेकिन इंडिया के अंदर आपने गाड़ी बेचनी है तो थोड़ा सोच समझ के बेचना पड़ेगा। जापान में चल रही है कोई दिक्कत नहीं, ग्लोबली इसका सर्वल है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा कम है, अभी इसको नहीं मिल पाया। उसका कारण क्या है कि इसका काम आप देख रहे हो और इसकी जो साइज है, डायमेंशन है वो देख रहे हो, और इसका मुकाबला कर रहे हो आप थार से। थार की रोड प्रेजेंस और इसकी रोड प्रेजेंस जमीन आसमान का फर्क है। जहां पे देखा जाए तो ये थोड़ी सी उठी हुई, थोड़ी बड़ी वैगनार लगती है देखने में, मैं मजाक नहीं कर रहा। आप सामने रख के देखें डायमेंशन, आप देख सकते हैं कि क्या चीज है। मैं अभी बलेनो पे भी नहीं गया, इनकी बलेनो भी आती है, मैं बलेनो पे भी नहीं गया, वैगनार से डायमेंशन का मुकाबला करके देखते हैं क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा है। तो वहां पे अगर देखे तो लेंथ में देखे तो वैगनार है 3655, इसकी है 3820। ये यहां पे देखे तो इसकी हाइट में 124 mm का फर्क है, और यहीं पे थार के साथ मुकाबला करके देखे जिमनी का तो थार की हाइट 3985 है। तो यहां पे अगर थार से देखें तो 45 mm का फर्क है, ज्यादा है थार की। यहां पे अगर वैगनार की हम विड्थ की बात करें तो विड्थ बहुत मैटर करती है, 1620 mm की विड्थ लेके चलती है वैगनार, जिमनी की विड्थ 1645, सिर्फ 25 mm ज्यादा है। मैं वैगनार की बात कर रहा हूँ, वैगनार से जहां पे आप 4x4 या ऑफ रोडर गाड़ी या थार से मुकाबले करने वाली गाड़ी की बात कर रहे हो वहां की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर थार का मुकाबला करके देखा जाए तो यहाँ पे थार 1820 mm की विड्थ लेके चलती है, जो 175 mm कम हो जाती है। 175 mm बहुत बड़े मायने रखते हैं जब एक कैटेगरी के अंदर आप गाड़ी को, दोनों गाड़ियों को कंपेरिजन करें तो बहुत बड़े मायने होते हैं। ये वही हो गया कि पीछे वाली सीट जो आप 5 डोर का क्लेम करके चल रहे थे गाड़ी, वो 3 डोर हम 5 डोर गाड़ी लेके आए हैं, कंफर्टेबल गाड़ी है, फैमिली के साथ चलने वाली गाड़ी है, लेकिन विड्थ तो इसमें है नहीं, तो पीछे बैठने की जगह तो वैसे भी इसकी खत्म हो गई। थार तो शुरू से ही 3 डोर ही आ रही है तो उसके अंदर तो पीछे बैठने की वैसे भी जगह नहीं होती, तो वो क्लेम भी नहीं करते, लेकिन इसके अंदर क्लेम किया जा रहा था, लेकिन विड्थ है नहीं तो कहां से 2% भी बैठे बेशक्कत भरे हो जाते हैं। अगर हाइट की बात करें तो वह यहाँ पे 1675 है वैगनार की, लेकिन जिमनी की यहाँ पे 1720 है। यहाँ पे क्या फर्क है, 45 mm का फर्क है सिर्फ हाइट में। और इधर देखा जाए तो थार की जो हाइट है वो है 1844,
हाइट के अंदर भी दोस्तों 124 एमएम का फर्क है, जो कि मसिव है, बहुत ज्यादा है। अब ये डायमेंशन अगर देखें तो थार और एक साइड पर जिमनी को आप खड़ी कर दें तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। ऐसे लगता है कि एक छोटी कार एक बड़ी कार, यानी कि कह सकते हैं कि साइड पंच खड़ी हो गई और एक साइड हैरियर खड़ी हो गई, इतना ज्यादा फर्क नजर आता है दोनों गाड़ियों में। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है जब आप रोड प्रेजेंस के लिए गाड़ी बना रहे हो। इंडिया के लिए चलता ही है एसयूवी, आजकल क्यों लोग ले रहे हैं, क्योंकि एसयूवी एक रोड प्रेजेंस देती है आपको, एक मस्कुलर सी फील देती है, सपोर्टिव सी फील देती है, वैसा कुछ फील इसके अंदर नहीं आता। बात की जाए दोस्तों वेट की, तो वेट में काफी हल्की गाड़ी है थार के मुकाबले। जहां पे ये गाड़ी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 1200 किलो की है, वहां पे 510 किलो हैवी है थार। तो ये चीजें सारी जो है, डायमेंशन की बात कर रहे चाहे इंजन की बात कर रहे, ये सभी चीजें नेगेटिव तरीके से लेके जाती है गाड़ी को। देखो सबसे बड़ी बात एसयूवी के अंदर क्या होता है, डायमेंशन नहीं है इसके अंदर, विड्थ वो भी नहीं है, हाइट वो भी नहीं है। और वहां पे अगर करें इंजन की बात, तो वहां पे इंजन को देखें तो हाँ ठीक है, जांचा परखा इंजन है, 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन के अंदर आता है, जो कि इसके अंदर 4E4 लगा के इसको दे दिया गया, जो कि काफी ड्यूरेबल भी इंजन है। लेकिन उस गाड़ी की जो फिगरें हैं, जो पावर फिगर है, 1462 सीसी का इंजन है, 103 पीएस की पावर, 132 एनएम टॉर्क के साथ जनरेट करता है। थार की तरफ देख लिया जाए, थार को देखिए तो यहाँ पे दो इंजन उन्होंने दे दिए, उसकी भी बात करता हूँ कैसे दे दिए उन्होंने, क्या कमाल किया उन्होंने। 1997 सीसी के दो इंजन है, जो पहला इंजन है 150 पीएस की पावर, 320 एनएम के टॉर्क के साथ जनरेट करता है, जो कि इससे तकरीबन डबल हो जाती है। दूसरा इंजन 112 पीएस की पावर, वो भी 300 एनएम के टॉर्क जनरेट करता है, छोटा इंजन भी इससे ट्रिपल है। तो ये चीजें जो है, अगर आपने ऑफ रोडिंग कर दी तो थोड़ा सा ये इनिशियल पुश चाहिए होता है, या कहीं पे गाड़ी आप चढ़ाई पे हो तो वहां पे एकदम से ब्रेक लगानी पड़ गई, उसके बाद गाड़ी को दोबारा से चलाना काफी मशक्कत भरा हो जाता है। तो इसलिए आपको पावरफुल इंजन चाहिए, वहां पे आपकी माइलेज मैटर नहीं करती, ये चीजें काफी ज्यादा नुकसानदायक होगी जिमनी के लिए। अब अगर देखा जाए तो जब मैं व्हील बेस की बात करूं, तो व्हील बेस भी जब आप क्लेम कर रहे हो कि हम 5 डोर गाड़ी बना रहे हैं, तब भी इस गाड़ी का व्हील बेस देखिए 2590 है, वहीं पे थार का 2450 है। 3 डोर 5 डोर होने के बावजूद भी इतना डिफरेंस ज्यादा कोई क्लेम नहीं किया जा सकता। तो ये सब चीजें इसको दोस्तों नुकसान करती हैं इस गाड़ी के अंदर। ये जो पेट्रोल इंजन है वो भी छोटा दिया गया, और डीजल इंजन इसमें दिया ही नहीं गया, तो ये ऑप्शन भी इसमें बंद हो गई, खत्म हो गई। दो ही इसके अंदर ऑप्शन आती है, दोनों के अंदर एक मैनुअल ऑटोमेटिक की ट्रांसमिशन की ऑप्शन आती है। अब की जाए दोस्तों प्राइस की बात, तो प्राइस ही काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। प्राइस कहाँ इफेक्ट करता है, थार ने बड़ी कमाल से जब जिमनी लॉन्च हुई उसी टाइम इन्होंने 4x2 भी अपना लॉन्च कर दिया 9.99 लाख रुपीज का। आज की बात की जाए तो आज जिमनी को 2 लाख रुपए सस्ता कर दिया गया है, पहले एक स्कीम निकाली गई थी तब भी सेल नहीं निकली, अब ऑफिशियली भी इसको 2 लाख रुपए कम कर दिया गया है, 12,74,000 की अभी ये गाड़ी पड़ती है हमें ऑन रोड, सॉरी एक्स शोरूम। और वहीं पर अगर थार देखा जाए 11,25,000 रुपए की है। अब प्रैक्टिकलिटी की बात अलग से आ गई, अब ऑफ रोडिंग की भी बात अलग से आ गई। आपने गाड़ी बेचनी है, 5 डोर गाड़ी बनाई है, तो आप रोज बता की जिंदगी चलाने के लिए पर्सनली फैमिली कार भी आप बना रहे हो, तो वैसी ही कार थार भी है। थार को भी आपने नहीं लेना फैमिली के लिए, लेकिन टशनबाजी के लिए आपने लेना है, तो एक गाड़ी एक्स्ट्रा आपको चाहिए ही चाहिए, तो फिर सस्ती कार क्यों नहीं। ऑफ रोडिंग के लिए इंडिया के अंदर कार मेरे हिसाब से अगर आप 100 कारें भी बेचते हो तो मुश्किल से 20-22 कारें ऐसी होंगी जो ऑफ रोडिंग के लिए वाकई ही यूज की जाती है, बाकी कारें सिर्फ टशनबाजी के लिए या रोड प्रेजेंस के लिए यूज की जाती है। अगर रोड प्रेजेंस देखें तो वहां पर भी थार काफी आगे निकल जाती है। हाँ प्रैक्टिकलिटी है, लेकिन डोर्स के अंदर कोई भी आपके पैड नहीं है, कोई लेकिन रखने की जगह नहीं है, तो इस मामले में भी ये गाड़ी पीछे रह जाती है अगर आप प्रैक्टिकलिटी की भी बात करते हो। तो दोस्तों ये सब कुछ समीक्षा हमने देखी करके कि क्यों ये गाड़ी पीछे रह गई है। अब दोस्तों आने वाला टाइम और कसर पूरी कर देगा इसकी, थार का 5 डोर वर्जन बहुत जल्दी आने वाला है, तो जब वो आ गया तो इस गाड़ी को कौन खरीदेगा। देखो ना इसको ऑफ रोडिंग करने वाले खरीद रहे हैं, क्यों नहीं खरीद रहे, क्योंकि उसके अंदर इसके अंदर इतना कोई दमखम नहीं है। दूसरी बात इसकी रोड प्रेजेंस ऐसी नहीं है, प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो इसमें माइलेज नहीं है और डीजल इंजन की ऑप्शन नहीं आती, अगर सीएनजी इसमें डाल दे तो फिर तो क्या कहने, फिर तो खत्म ही हो जाएगी गाड़ी। तो ये सब चीजों को देख के चले तो जिमनी का जो माइनस हो गया है गाड़ी का जो सेल फिगर्स है वो इसीलिए हो रही है, और आने वाले वक्त में मेरे को नहीं लगता कोई ऐसी अच्छी कोई कमाल कर पाए ये गाड़ी। बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दिएगा, सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।